चौल कैथल के नए बस स्टैंड में मौजूद हूँ और हरियाणा रोडवेज की ये बस एक गाड़ी को टक्कर मारकर भागकर बस स्टैंड पहुंच जाती है। गाड़ी चालक द्वारा पीछा किया जाता है और यहाँ पर डायल 112 को बुलाया गया। मौके पर फिलहाल डायल 112 मौजूद है और उस बस को यहाँ पर बस स्टैंड पर पकड़ा गया है। लेकिन फिलहाल मैं आपको उस गाड़ी की तस्वीर दिखा दूँ कि उस गाड़ी के हालात किस तरह के हैं और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस तमाम जानकारी से हम जो चालक थे उससे ही बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये वो गाड़ी है जिसको पीछे से बस द्वारा टक्कर मारी गई है। लेकिन फिलहाल गलती किसकी है, पूरा मामला क्या है, ये फिलहाल अभी संशय है। रोकी नहीं, शेड मोड़ निकाल के ले गए। जो बस चालक था उसने रोडवेज वाले ने रोकी नहीं, रोकी नहीं, आज भगा के ले आया, भगा के लिया। आज मैंने गाड़ी लगाई वहां का गाड़ी। तो यहां पे उसको पकड़ा गया, हां फिर वो घूम हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या कार्रवाई की गई? 112। अच्छा, डायल 112 मौके पूछे। तो इस बस चालक से बातचीत की गई है तो क्या कुछ कह रहे हैं? कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, तो कितना नुकसान है गाड़ी? कोई चोट वोट तो नहीं? चोट बच गई, सीट बैठ गई। कितने लोग सवार थे? दो लोग सवार थे। तो कहाँ की घटना है? अच्छा, पुंडरी रोड पे, करनाल से पुंडरी की तरफ जाते हुए की घटना है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? गांव में तो कैथल आ रहा है। कैथल से आप गांव से कैथल की तरफ आ रही थी? तो ये बस भी जो करनाल से आ रही थी, करनाल की तरफ से आ रही थी। तो यहाँ जो गाड़ी चालक, जो बस चालक है, उससे मुलाकात हो पाई? अच्छा, रोकी नहीं। ओके, फिलहाल आपको दिखा दें ये तस्वीरें कैथल के नए बस स्टैंड की, जहाँ पर हरियाणा रोडवेज की एक बस ने डिजायर गाड़ी को टक्कर मारी और उसके बाद बस चालक बस को लेकर नए बस स्टैंड की तरफ भाग जाता है। नए बस स्टैंड पर गाड़ी चालक द्वारा पीछा किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। फिलहाल मौके पर डायल 112 मौके पर मौजूद है। फिलहाल तमाम लोग यहाँ पर है। सरकारी बसों का सर इतना बुरा हाल है, ड्राइवर आगे देखता नहीं, पीछे देखता, इतनी स्पीड चलती है बिल्कुल नॉर्मल। पुंडरी से करनाल 45 मिनट में बस लगा देते हैं। 45 मिनट में पुंडरी से, मतलब लोगों को उड़ाने का ठेका, उड़ाने का ठेका ले रखा जी। 110-100 की स्पीड में चलते हैं सरकारी ड्राइवर, मैंने खुद देखा जी। पुंडरी से बैठा नेट 45 में ड्राइवर ने अंदर बांट दी बस करनाल। सरकारी नौकर होने का फायदा खावा जी, एकदम सरकारी नौकर है, सारा कुछ बिगड़े नहीं। आम आदमी मरा मत डरो, कोई समस्या नहीं किसी प्रकार की, किसी ने भी। तो फिलहाल पुलिस विभाग के जो डायल 112 के लोग पहुंचे हुए, वो फिलहाल बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा रोडवेज कैथल डिपो की ये बस है और नंबर की अगर मैं बात करूं तो HR64GV4974। अब एक सवाल और बड़ा खड़ा करता है, सवाल बड़ा ये खड़ा करता है कि आम जनमानस बिना डिजिटल प्लेट के अगर सड़क पर उतरे तो लंबा चौड़ा चलान थमा दिया जाता है। अब जनाब सरकारी विभाग ही धजियां उड़ा रहे नियमों की, तो अब इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या इनके खिलाफ भी चलान किया जाएगा? सिर्फ काले पेंट से लिख दिया गया नंबर, अगर कल मैं अपनी गाड़ी पर ये लिखा के चलूं तो क्या पुलिस विभाग, ट्रैफिक विभाग इस चीज को मानेगा? लेकिन सरकारी विभागों के लिए नियम कानून सब अलग है। कानून बने हैं तो सिर्फ आम जनता के लिए, आम जनता को परेशान करने के लिए। अब यही घटना अगर कोई प्राइवेट विभाग का कर देता या आम जन कर देता तो अब तक उस पर शिकंजा कसा जा चुका था। लेकिन ये रोडवेज विभाग के कर्मचारी हैं, फिलहाल पुलिस विभाग क्या कार्रवाई करेगी वो भी हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीर आपको दिखा दें, पुलिस विभाग के जो कर्मचारी डायल 112 के लोग पहुंचे हुए हैं, फिलहाल बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या पूरा मामला है। लेकिन हम जो बस चालक के ड्राइवर थे उससे ही बात करेंगे कि आखिरकार क्या वो कहना चाहेंगे, गलती किसकी है। पुलिस मौके पे पहुंची है और ये क्या फैसला चाहते हैं फिलहाल भाई, अब आप क्या चाहते हो? नुकसान की भरपाई करवाई जाओ या जो कानूनी कार्रवाई, भरपाई करवाई जाए या जो है वो कानूनी प्रक्रिया से जो भी कार्रवाई होती है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाए। फिलहाल आपका बात परिंदो डायल 112।
सर क्या जानकारी मिली है और क्या पाया गया? हमारे पास तो एक्सीडेंट की कॉल आई थी जी, और 5 मिनट में हम इधर पहुँच गए इधर आके देखा तो गाड़ी जो इधर इन्होंने रोटरी कर और अभी सिविल लाइन थाने से हमने आज बुलाया आपके पास सर। किस किस चीज़ की संसाधन की जो दुर्घटना हुई? दुर्घटना एक डिजायर गाड़ी है एक सरकारी बस, एक हरियाणा रोडवेज की बस है। तो फिलहाल सर कोई बातचीत की गई हो तो क्या कुछ बातचीत? वो जो सरकारी बस वाला ड्राइवर है वो तो कह रहा है हम कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। हाँ, अभी दूसरी पार्टी से बात करेंगे वो तो थाने में का जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हरियाणा रोडवेज की बसों को सड़कों पर दौड़ते हुए सरपटे दौड़ते हुए देखता है और ये बहुत होते देखे हैं क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बसें इतनी स्पीड से चलती हैं। मैं आदरणीय इस विभाग के मंत्री और आदरणीय जो अधिकारी देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि इन बसों की स्पीड पर जो है वो लगाम लगाई जाए ताकि जनमानस को किसी तरह की घटना का जो है वो शिकार ना हो पाए। फिलहाल सर मैं तो अच्छा जी, और हमारी जो बसें हैं ना ये जी ये कंपनी से ही बंधी हुई हैं 70 रुपये 75 रुपये, ये भुली नहीं हुई बस है। तो कई बार सड़क पे भीड़ भड़का है, कई बार अगले की भी गलती हो सकती है, हमारी भी गलती हो सकती है, हमको सब हुए हैं तो इसलिए गाड़ी तो भागना तो गलत है। सुनो मेरी बात, भागना तो गलत है, कई बार भागता ऐसे भाग ये गाड़ी भगा नहीं सकते हम क्योंकि इसका नंबर रजिस्टर्ड है गाड़ी ऊपर लिखा होता है सब कौन से डिब्बे में। आपकी बात में सभी का जवाब देंगे ना हम, पहले हमारी भी सुन लो, इस पे लिखा हुआ है हरियाणा राज्य परिवहन कैथल डिपू, इसलिए भाग नहीं सकता वो, कई बार डर से भाग जाता है, वैसे उसको गड्डी वहाँ रोक देनी चाहिए थी साइड में लगा के, तो उसको सूचित कर देना चाहिए था भी हम जो भाई ये कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है बाद में, तो कॉम्प्रोमाइज करने आप भी करेंगे ऐसी बात नहीं है, अभी हम भाग नहीं सकते कहीं भी क्योंकि इस वारी भी हमारे को मारने लग जाती है इस डर से। माड़ा मोटा कई बार वो ड्राइवर नया है उसको ये ज्ञान नहीं था भी मैंने वही गड्डी साइड में लगा के रोक देता और गाड़ी उससे जो भी उसका नुकसान है मेरी गलती है या उसकी गलती तो होती हुई है, गलती कई बार दोनों की भी होती है कई बार एक की होती है, तो कई बार उसे हमारी गलती थी रोडवेज की तो वहाँ साइड में लगा के उससे बातचीत करके और मसला हल कर लेता, और अभी वही मसला हल होगा यानी कि हाँ पक्षों के बीच में जो भी हाँ, 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 हो जाएगा, तो कई बार आदमी डर जाता है मैं अकेला हूँ। चलिए फिलहाल पुलिस पहुंची हुई है, आगामी कार्रवाई क्या होगी और क्या इसका परिणाम निकलेगा, लेकिन फिलहाल बता दूं कि मौके पर पुलिस 112 पहुंची है, सिविल लाइन थाने के जो कर्मचारी है वो पहुंचेंगे, लेकिन दोनों ही जो संसाधन है वो मौके पर मौजूद है और दोनों के बीच में पुलिस मौके पर मौजूद है, दोनों प्रक्रिया होगी या जो भी समझौता होगा वो सामने जरूर आएगा, लेकिन फिलहाल पुलिस कार्रवाई करती हुई जरूर नजर आ रही है।